हाय बच्चों, मैं हूँ दानिश। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए दोस्तों, हम एक्स जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं, ठीक, तो हम एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे इसमें? एक्स एक्सिस इधर हॉरिजॉन्टल वाली क्या होती है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाली क्या होती है वाई एक्सिस। ठीक ठीक ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट हम क्या कहेंगे? एब्सिसा। क्या कहलाएगा? ए बी एस सी आई डबल एस। और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनेट। ठीक है दोस्तों, जैसे मतलब अगर कोई यहाँ पॉइंट है, मान लीजिए 2,3, तो मतलब एब्सिसा कितना है? एब्सिसा है 2, और ऑर्डिनेट कितना? ऑर्डिनेट है बाबू 3। ठीक बाबू, तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक्स वन वाई में, ठीक, और कोई पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में कोई पॉइंट है आपका एक्स वन वाई में, और एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू। ठीक, आप क्या करिए, आपसे पूछ लेगा इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आप दूरी कैसे निकालेगा? तो ये पॉइंट भी जो किसी भी होगा, ठीक है, नंबर में होता तो हम निकाल लेते दूरी। ठीक है, तो ये पॉइंट में, तो पॉइंट में दूरी निकालने के लिए पी क्यू की लंबाई कैसे आएगी, पी क्यू की लेंथ कैसे आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी। ठीक, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन। एब्सिसा को एब्सिसा में से घटा दीजिए, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में से घटा दीजिए, और दोनों को स्क्वायर करिए, मतलब एब्सिसा का घटा करके स्क्वायर करिए और ऑर्डिनेट को घटा के स्क्वायर करिए। ठीक, इसे कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। आइए इस पर हम लोग एक सवाल करते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 7.1 में पहला वाला क्या है, आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आपको पॉइंट दिया है, दो पॉइंट दिया है एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू। ठीक, आपको यहाँ इसका इसके दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आपको निकालना। कैसे निकालिएगा? आप फार्मूले से लगा लीजिए, क्या होगा बाबू? डी इज इक्वल टू, या डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक्स वन वाई वन हम इसे मानते हैं और एक्स टू वाई टू इसे मानते हैं, इसमें से इसको घटा दिए, एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब 4 माइनस 2 कितना आएगा दोस्तों? आप क्या करिए, 4 माइनस 2 ऐसे लिख दीजिए स्क्वायर पे, वाई टू माइनस वाई वन 1 माइनस 3, 4 माइनस 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया -2, -2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू क्या होगा बाबू? रूट का 8। डी की वैल्यू क्या आएगी? रूट का 8। ठीक ठीक बाबू, आप या तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, डी की वैल्यू क्या होगी? 2 2 4 2 8, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये किसमें से 2 रूट। ठीक, चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, दोनों सही है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको कर लीजिए सेकंड वाले को, थर्ड वाले। ठीक, हम थर्ड वाला बता दे रहे हैं। हाँ दोस्तों, देखिए आप दूसरा वाला देख लीजिए दोस्तों, -5 7 और -1 3, क्या करिए? अंडर डी इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब -1, और माइनस अब 5 कर दीजिए, माइनस माइनस का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन 3 में से 7। -1 और ये माइनस, माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस का 1 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा? प्लस का 4, 4 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बाबू? -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? 16 प्लस 16 32। ठीक बाबू, अब से आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक, 2 2 4 2 8 2 6 16 2 32। ठीक, तो कितना निकल आया? 4 रूट 2। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 4 रूट 2। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों आप थर्ड वाला आप करिएगा। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इस और इसके बीच में आपको क्या निकालना है, वो डिस्टेंस निकालना है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो इसके और इसके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स टू माइनस, इसे मान लेंगे हम एक्स वन वाई वन, इसे आप दिमाग में तुरंत मान लीजिएगा एक्स टू बाई टू। आपको हमेशा इसका दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगा अगर आप मैथ आगे पढ़ेंगे हमेशा। ठीक है, तो एक्स वन वाई वन माने एक्स टू बाई टू माने, तो एक्स टू माइनस एक्स वन 36 में से 0 घटा दिए, प्लस वाई टू माइनस वाई वन 15 में से 0 घटा दिए। अब इसको सॉल्व कर लिए दोस्तों, आप सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, आगे वाले हम कह रहे हैं तो दोस्तों, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी जिसको इंटरसेक्शन 7.2। ठीक है, दो टाउन से आपके ए और बी के बीच में आपको दूरी निकालनी है। तो मान लीजिए टाउन ए क्या है, 0.0 पे है, और टाउन बी कितने पे है, इतने पे। ठीक, तो आप क्या करिए, आप अगर भी यही डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस दिस आप कोल नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है इस दोस्तों, देखिए तीन पॉइंट है आपका। ठीक, अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, मान लीजिए ए बी, तो कोलिनियर कब हम कहते हैं, जब इनके इन दो इन दोनों बीच की दूरी आप निकालिए, मतलब ए बी की दूरी निकाली, फिर बी सी की दूरी निकाली, दोनों को जब आप ऐड करिए, ठीक, तो कितने का बराबर है, ए सी के बराबर आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब एक लाइन में ही सब लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट। ठीक है, एक लाइन में ही लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट। ठीक, तो हम कहेंगे, तो आप निकाल लीजिए, निकाल लीजिए इन दोनों बीच की दूरी निकालिए, इन दोनों बीच की दूरी निकालिए, बी सी आ जाएगा आपका, ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, ए सी के देखिए बराबर है कि नहीं, अगर ए सी के बराबर है तो कोलिनियर होगा, अगर ए सी बराबर नहीं है तो कोलिनियर नहीं। ठीक, आइए निकाल के देखते हैं, हमारे पास पॉइंट है 152.3, 152.3, 152.3 माइनस के टू माइनस के 11, माइनस के टू माइनस के, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं, बी सी मान लेते हैं, सी। ठीक है, तो हम कोलिनियर के लिए क्या पहले निकालेंगे, हमें चेक करना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी के कि नहीं। ठीक, हमें ये चेक करना है, तो पहले ए बी कैसे आएगा, ए बी निकालिए, ए बी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ऐसे मान लीजिए एक्स वन वाई वन, ऐसे मान लीजिए एक्स टू वाई टू। ठीक, क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, टू में से वन गया वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन, ये वाई टू आपको, वाई टू माइनस वाई वन, थ्री में से फाइव गया माइनस का टू का स्क्वायर। ठीक, कितना आ जाएगा, वन प्लस फोर रूट में फाइव ए बी आ गया। अब बी सी निकाल लीजिए आप, बी सी निकाल लीजिए बाबू। अब इसे क्या, बी सी कैसे निकालेंगे, इसे मान लीजिए एक्स वन वाई वन पहला पॉइंट, ये मान लीजिए एक्स टू वाई टू, इसे दूसरा पॉइंट मान लिया। हर जगह दोस्तों इसका फॉर्मूला का यूज होगा, जैसे बाई हार्ट आप नहीं कर लीजिए, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू क्या है माइनस टू, और एक्स वन क्या है माइनस प्लस का टू। ठीक, तो माइनस हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू क्या है माइनस के 11, माइनस वाई वन क्या है थ्री स्क्वायर। ठीक, माइनस टू माइनस माइनस टू माइनस टू, माइनस फोर माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो गया बाबू, 16, 11 और 3 14। ठीक, और 14 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 196। इसे आप जोड़िए दोस्तों, 6 6 क्या हो गया 12, क्या हो जाएगा यहाँ 9 और प्लस 1 10, और 10 और प्लस 1 11, 1 कैरी 1 1। ठीक है, ये हो गया बी सी, ए सी ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए बी के बीच की दूरी निकालिए, बी सी की दूरी बीच की दूरी निकालिए, अब ए सी के बीच की दूरी निकालिए। ठीक, इसे आप सिंप्लीफाई कर लिए पहले। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये 2√53। ठीक, ये आप अब ए सी निकाल लीजिए, आप ए सी मतलब अब इसको आप निकालिए, तो क्या करिएगा, पहले इसे आप मिटा दीजिए, इसे मान लिए एक्स वन वाई वन, इसे मान लिए एक्स टू वाई टू। ठीक, इसे आप मान लिए एक्स वन वाई वन, इसे मान लिए एक्स टू वाई टू, तो क्या करिएगा, एक्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, मतलब माइनस टू
फिर माइनस एक्स वन कितना है, वन, प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। वाई टू कितना बाबू, माइनस के लिए, माइनस वाई वन कितना बाबू, फाइव। ठीक है, इसका स्क्वायर आप करके देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस टू और माइनस वन कितना हो गया, माइनस का थ्री, माइनस थ्री का स्क्वायर करिएगा तो नाइन आ जाएगा, प्लस 11 और 5 16, ठीक है, 16 का स्क्वायर आप कर दीजिए कितना हो जाएगा, 256। आप इसे जोड़ दीजिए, इसी की वैल्यू आ जाएगी 9615, वन कैरी, 516 और ये 265। ठीक है, अब देखिए ए भी कितना था, रूट फाइव था, ठीक है, बी सी कितना बाबू, रूट टू वन टू, ठीक, और ए सी कितना, रूट टू सिक्स फाइव, ठीक है, अगर आप इसे मिटा दें, ठीक, तो क्या होगा, देखिए अब क्या होगा, आप देखिए दोस्तों ए बी है आपका रूट फाइव, ए बी प्लस बी सी कितना है दोस्तों, रूट ए बी कितना है, रूट फाइव, और इसकी वैल्यू है रूट टू वन टू, टू वन टू, और ए सी कितना है दोस्तों, रूट टू सिक्स फाइव, रूट टू सिक्स फाइव ए सी। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप ए बी प्लस बी सी और ए सी बराबर नहीं आया, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये कोलिनियर नहीं होगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों फिर क्या कह रहा है, कह रहा है चेक वेदर द पॉइंट दिस दिस और दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल में क्या होता है बाबू, दो साइड सेम होता है, दो साइड की लेंथ जो है सेम होती है, ठीक, जब आप क्या करिएगा दोस्तों, ट्रायंगल बनाइए आप, ट्रायंगल बनाइए पहले, ट्रायंगल ठीक है, ट्रायंगल बनाइए, और फिर इसके बाद इसके वर्टिसेस आप लिख लीजिए, फाइव कॉमा माइनस टू एक तरफ आप लिख लीजिए, फाइव कॉमा माइनस टू, ठीक है बाबू, और दूसरा क्या लिख लीजिए, सिक्स कॉमा फोर, ठीक, और तीसरा लिखिए सेवन कॉमा माइनस टू, सेवन कॉमा माइनस टू, इसे नाम दे दीजिए, ए इसे नाम दे दीजिए, बी इसे नाम दे दीजिए, सी, हमको पहले निकालिए ये साइड की लेंथ कितनी है, ए बी मतलब ए बी निकालिए, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, चाहे से एक्स वन वाई वन मानिए, चाहे से एक्स वन वाई वन मानिए, जिसे भी मानिएगा, जैसे दो पॉइंट आपको दिया है, ठीक, अगर आप इसे एक्स वन वाई वन मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू वाई टू हो जाएगा, अगर इधर आप क्या करिएगा, अब इसको एक्स वन वाई वन मानिएगा तो क्या होगा, ये एक्स टू वाई टू इधर हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों पॉइंट में से आप चाहे जिसको भी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आप मान सकते हैं, ठीक, आपका रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा बाबू, अब देखिए फाइव में से फोर, फाइव में से सिक्स घटा दी, या हम इसी में से ले लेते हैं, इसको इसको एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, एक्स टू वाई टू, कैलकुलेशन हमारी आसानी होगी, एक्स टू माइनस एक्स वन, सिक्स में से फाइव गया वन का स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, फोर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू, सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, रूट में 37। ए बी आ गया, बी सी निकाल लीजिए आप, इसकी लेंथ, ठीक, बी सी, बी सी इज इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन, अब दो पॉइंट आपको है, चाहे जिसे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू माने आप, रिजल्ट आपका आंसर जाएगा सेम, हम मान लेंगे इधर आपका एक्स टू, ठीक है, तो एक्स टू में से एक्स वन घटाइए, सेवन में से सिक्स गया वन का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन मतलब माइनस टू का माइनस फोर कितना हो जाएगा बाबू, माइनस का सिक्स का स्क्वायर, माइनस का प्लस माइनस का सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 37। बी सी आ गया, अब ए सी निकाल लीजिए बाबू, ए सी निकाल लीजिए, ये दोनों पॉइंट से आप किसी को भी क्या मानिए, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू आप मान के निकाल सकते हैं, हम चलिए मान लेते हैं एक्स टू इसे, एक्स टू वाई टू इसे मान लेते हैं, तो एक्स वन वाई वन ये हो जाएगा, ठीक है, तो सेवन में से फाइव गया टू का स्क्वायर, प्लस माइनस टू और माइनस
ये हो जाएगा आपका माइनस टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई वन कितना है माइनस टू स्क्वायर, टू टू या फोर प्लस माइनस टू माइनस माइनस प्लस का टू का स्क्वायर, फोर माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फोर कितना हो जाएगा बाबू टू आ जाएगा, एसी की वैल्यू कितनी आ गई टू। तो दो साइड आपकी क्या हुई इक्वल आ गई, ए बी और बी सी, ए बी रूट 37 बी सी क्या रूट 37, ये दो साइड इक्वल हो गई। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो वो क्या ट्रायंगल क्या कहलाएगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल कह रहा था चेक करिए। ठीक है तो ठीक है ये सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। ठीक, कह रहा है इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड एज शोन इन फिगर 7.8, चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। मतलब एक कक्षा में चार दोस्त बैठे हुए हैं, चार दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ए बी सी डी। ठीक, तो क्या होता है कि चंपा और चमेली क्लास में आती हैं और उन्होंने जब देखा उन लोगों को तो उनको लगा कि, तो चंपा ने क्या किया चमेली से कहा कि तुमको नहीं लगता कि ये जो है वो एक स्क्वायर के तरह फॉर्म कर रहा है, ए बी सी डी जो एक स्क्वायर की तरह बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब अगर आप इसको लाइन ज्वाइन करिएगा क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, चंपा ने कहा चमेली से। ठीक, कि तुमको नहीं लग रहा ये एक स्क्वायर में बैठी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए तो आपको क्या करना है, आपको अंदाजे नहीं बताना, आप क्या करना है डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके बताना है कि सही है कि गलत। ठीक है, आप क्या करिए कि स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का फंडा क्या बाबू, स्क्वायर में क्या होता है बाबू, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर में क्या खासियत दोस्तों, हर एंगल 90 डिग्री का होता है और क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमको ये पता करना है स्क्वायर हमको दिया है कि वर्टिसेस दिए हुए हैं, हमको पता करना है स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और डायगनल क्या होता है इसमें, डायगनल क्या होता है दोस्तों, एंड लेंथ ऑफ डायगनल्स आर इक्वल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ये दो कंडीशन को चेक करेंगे, पहले हम देखेंगे सब साइड इक्वल है, ठीक, फिर हम देखेंगे डायगनल की लेंथ इक्वल है कि नहीं, अगर ये दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई हो गया तो वो क्या है स्क्वायर। ठीक ठीक है दोस्तों, अगर हम क्या करें, देखो दोस्तों रोम्बस क्या होता है, रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। ठीक, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अगर आप यहीं तक सिर्फ चेक करिएगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो रोम्बस है कि स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि आगे कि उसका डायगनल इक्वल है कि नहीं है, लेंथ ऑफ डायगनल, लेंथ ऑफ डायगनल आर नॉट इक्वल। ठीक बाबू, इसमें क्या होता है डायगनल की लेंथ नॉट इक्वल होती है, इसमें क्या होता है डायगनल का लेंथ इक्वल होता है। ठीक, डायगनल क्या होता है बाबू, इक्वल होता है, और इसमें नॉट, तो अगर आपको पूरा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहीं तक चेक करिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि रोम्बस की स्क्वायर। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। देखिए ए वाला पॉइंट पे पहला एब्सिसा कितना है बाबू, मतलब एब्सिसा एक्स पर कोऑर्डिनेट कितना है 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3, और वाई कितना है बाबू, वाई कितना बाबू, ऑर्डिनेट कितना है 4। ठीक, 3,4। बी को देख लिया, एक्स पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स कितना बाबू, एक्स कितना है 6, और वाई कितना बाबू 7। सी देखिए दोस्तों, सी ये है आपका 9, एक्स है आपका 9, और बाबू वाई कितना है 4। ठीक है, डी कितना बाबू आपका, डी कितना है 6 है एक्स पर और 1। ठीक ठीक, अब क्या करें,
आप क्या थे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले सब पहले चेक करिए, ए बी की लेंथ निकालिए, बी सी की लेंथ निकालिए, सी डी की लेंथ निकालिए, ए डी की लेंथ निकालिए, ठीक है। आपको चार पॉइंट दिया हुआ है, आप चारों पॉइंट से आप क्या करिए चार साइड्स की लेंथ निकाल लीजिएगा। फिर क्या करिएगा आप, आपको डायगनल की लेंथ आप क्या करिए वो निकाल लीजिएगा, ठीक। तो डायगनल की लेंथ तो आपको दिख ही होगी दोस्तों कि अगर आप इसको मिलाइएगा, पहले छोड़िए अभी पहले लेंथ निकालते हैं ए बी और बी सी और सी डी और ए डी की, ठीक। तो आइए इधर निकालते हैं, ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी, ए बी डिस्टेंस बिटवीन ए बी, या आप डायरेक्ट लिखिए लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, ए बी के पहले क्या करिए पॉइंट लिख लीजिए 3.4 और 6.7, ठीक है दोस्तों। ये तो ए है और ये बी है, ठीक है। हमको ए बी की लेंथ निकालना है, तो कैसे निकालू, एक्स टू माइनस एक्स वन, सिक्स में से थ्री गया थ्री का स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, सेवन में से फोर गया थ्री, थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 9 और 9 18, ठीक। अब क्या करिए लेंथ ऑफ, आप निकालिए बी सी, बी सी बी सी बी का पॉइंट हमको पता है, सी का पॉइंट देख लीजिए, सी का पॉइंट है 9.4, सी का पॉइंट क्या है बाबू 9.4, बी सी का लेंथ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसे एक्स टू वाई टू मान लिया, इसे एक्स वन वाई वन मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन, 4 में से 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। आपका क्या हो जाएगा 3 3 9 और 9 रूट में 18 आ जाएगा। लेंथ ऑफ सी डी निकाल लीजिए, सी तक हमारे पॉइंट, डी का पॉइंट लिख लीजिए आप, डी का पॉइंट निकालिए 6.1, ठीक है। सी डी लेंथ ऑफ सी डी क्या आ जाएगा, 6 में से 9 गया माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, 1 में से 4 गया माइनस का 3 रूट में 18 हो गया। लेंथ ऑफ ए सी ए बी बी सी सी डी, ठीक है। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, ए डी निकालिए, ए डी ए डी ये वाला, ठीक है। ए और डी 6 में से 3 गया बाबू 3 का स्क्वायर, और 1 में से 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर, क्या होगा बाबू 18। क्या होगा ए बी इज इक्वल टू, क्या हुआ यहाँ से, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला बाबू कि ए बी क्या है, ए बी बी सी और सी डी और ए डी क्या है, चारों साइड क्या है इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है, फोर साइड सर इक्वल। अब डायगनल देख लीजिए, डायगनल लेंथ ऑफ डायगनल, ठीक। तो डायगनल क्या बाबू ए सी होगा, और एक डायगनल क्या होगा ए सी होगा, और एक डायगनल होगा बी डी। तो ए सी की लंबाई देखिए क्या है, ए सी की लंबाई, ठीक है दोस्तों। पहले हम दोस्तों डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ही हम ए सी का निकालेंगे, ठीक है। वैसे हम अगर आपको डायरेक्ट देखना, देखिए वाई वाई सेम है, ठीक है, तो यही 9 में से 3 घटा लीजिए 6 आ जाएगा, ए सी की लंबाई कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, चलिए हम ए सी की लंबाई फार्मूले से निकालते हैं। लेंथ ऑफ डायगनल ए सी, ए सी क्या होगा बाबू, ये ए सी आपका, ठीक है। 9 में से आप क्या घटाइए 3, क्या आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से क्या घटा दीजिए 4, मतलब 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 6। लेंथ ऑफ डायगनल बी डी, बी और डी का, तो क्या होगा आप यहाँ से देख लीजिए, लेंथ ऑफ डायगनल बी डी, ठीक है। बी डी का भी देखिए क्या है, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई वो एक्स तो सेम ही है, ठीक है। आप क्या करिए 7 में से 1 घटा दिए 6 आ जाएगा। लेकिन हम फार्मूलेस करते हैं, आइए बी डी, बी और डी 6 में से 6 घटा दिए 0 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 7 गया माइनस 6 का स्क्वायर, आप कैलकुलेट करिए तो क्या आएगा आपका 6। तो डायगनल क्या है बाबू, इक्वल है, डायगनल क्या है इक्वल, और साइड्स क्या है बाबू, साइड्स भी क्या है, साइड्स आर इक्वल, ठीक है, और डायगनल्स आर इक्वल, ठीक है, इट इज स्क्वायर, यस, ठीक है। अब अगला चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं 6 वाला, क्या करा, करा नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन, करा चार पॉइंट दिया है, ठीक है, ठीक है। तो करा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा,
इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए, इसे डी मान लीजिए। पहले आप देखिए ए बी बी सी और सी डी और ए डी की लेंथ क्या है, इक्वल है कि नहीं इक्वल है। ठीक है, तो आपको पहले उससे पता चलेगा, पहले आप क्या करिए लेंथ निकालिएगा इसकी। तो आइए दोस्तों चलिए करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट। ठीक, ए बी सी और डी। ठीक है, पॉइंट इसमें लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, पहला क्या है -1 -2, दूसरा है 1 0 -1 -2। ठीक बाबू, तीसरा क्या है -1 2 और -3 4। चौथा क्या है -3 3, -1 2 -3 0 -1। ठीक है बाबू, ये हो गया आप। तो पहले क्या करिए, ए बी के बीच की दूरी निकालिए। ठीक, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो क्वाड्रिलेटरल देख लीजिए पहले क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसमें क्या हो, चार साइड हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स। ठीक, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा आपका, चार साइड किसके पास है, स्क्वायर के पास भी। ठीक है, ये भी हो सकता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल दूसरा क्या है, रेक्टेंगल, इसके पास भी चार साइड होता है। ठीक है, रोम्बस, उसके पास भी चार साइड होता है। ठीक, स्क्वायर हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया आपका, रोम्बस हो गया आपका। चौथा हो जाएगा बाबू आपका पैरेललोग्राम। और पांचवा हो जाएगा बाबू आपका ट्रेपेजियम। ठीक, तो अभी अब तो इस सब में सब क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। सब क्या क्वाड्रिलेटरल, आपको बताना कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। आपको चार पॉइंट दिया, स्क्वायर है कि रिक्टेंगल है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है कि ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम पहले ए बी बी सी सी डी की लेंथ पहले फाइंड करेंगे। ठीक, तो आइए इसको मिटा देते हैं। आइए दोस्तों ए बी की लेंथ फाइंड करते हैं। ए बी क्या होगा, x2 - x1 1 में से -1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 और 4 क्या होगा, √8, 4 4 8। भी क्या करिए, बी सी की लेंथ निकाल ले, बी सी -1 और -1। ठीक है, -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 - 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू, 4 और 4 सेम। ठीक है, फिर क्या करिए आप सी डी। ठीक है, ए बी हो गया, बी सी निकाल लिए, सी डी निकालिए। सी डी क्या होगा बाबू, 3 में से 1 घटाइए, तो -1 पहले से ही, तो क्या होगा जुड़ जाएगा, 3 + 1 4 4 का स्क्वायर प्लस। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों -3 है। ठीक है, इसे आप चेक कर लिए, -3 है। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, x2 - x1 -3 और +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 0 और -2 मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक, कितना हो जाएगा, सेम चीज √8। ए डी निकाल लीजिए दोस्तों, ये वाली लेंथ क्या होगा बाबू, x2 - x1 -3 और -1 मतलब क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 0 और +2 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ तो इक्वल आ गया दोस्तों, क्या हो गया, लेंथ आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो अब क्या हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी, या तो ये स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर की हर साइड क्या होती है, इक्वल होती है, या ये रोम्बस भी हो सकता है, क्योंकि रोम्बस क्या है बाबू, रोम्बस की भी हर साइड इक्वल होती है। अब दोनों में कंफ्यूजन है, तो इसको कंफ्यूजन दूर कैसे किया जाए, कंफ्यूजन दूर ऐसे किया जाएगा बाबू कि आप इसके डायगोनल का लेंथ निकालिए। ठीक है, ए सी का निकालिए और बी डी की लेंथ निकालिए, वहां से आपका डायगोनल इक्वल आ जाता है, तो क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर डायगोनल का लेंथ इक्वल नहीं आएगा तो क्या होगा, रोम्बस होगा। अभी जस्ट इससे पहले हमने कराया था, तो आइए निकालिए लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, x2 - x1 ए सी निकालिए, -1 -1 x2 - x1 तो क्या हो जाएगा, +1।
स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 4 बचेगा। ठीक, एसी की लेंथ आ गई 4। बी डी निकालिए दोस्तों, बी डी की लेंथ कैसे आएगी? एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस 3 और माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 0 वाई टू माइनस वाई वन, 0 माइनस 0 मतलब 0 का स्क्वायर क्या आ गया दोस्तों? 4। मतलब लेंथ ऑफ डायगनल्स क्या है? लेंथ ऑफ डायगनल्स आर इक्वल, ठीक, मतलब साइड भी इक्वल डायगनल भी इक्वल, तो क्या हो गया? हेंस इट इज स्क्वायर, हेंस क्वाड्रिलेटरल इज, क्वाड्रिलेटरल इज क्या है? वो एक स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने बिना खींचे वीचे हमने क्या पता कर लिया कि वो एक स्क्वायर। ठीक है, अब इसी तरीके से तो दोस्तों आप इसको भी करिए, पहले निकालिए ए बी बी सी सी डी ए डी। ठीक है, ये देखिए क्या आता है। ठीक है दोस्तों, आप निकालिए पहले साइड ए बी, यहाँ इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, इसे मान लीजिए सी, इसे मान लीजिए डी। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए। अगर मान लीजिए बाबू दो साइड इक्वल आते हैं, ठीक है, दो दो साइड इक्वल आते हैं, मान लीजिए ए बी बराबर है आपका, ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए, ठीक, अगर दो साइड ए बी सी डी मतलब ये लेंथ बराबर है और ये लेंथ बराबर है, तो क्या हो जाएगा? क्या पॉसिबिलिटी बाबू? दो पॉसिबिलिटी कि ये क्या हो सकता है? ये रिक्टेंगल भी हो सकता है और ये पैरलोग्राम भी हो सकता है, और पैरलोग्राम, ठीक है दोस्तों, तो या तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो रिक्टेंगल हो या वो पैरलोग्राम। अब इन दोनों में कैसे फर्क पता करेंगे? ठीक है, जब आप तीसरा वाला करिएगा तो आपको ऐसा ही आएगा कि दो साइड सेम आएंगे ये, ठीक है, दो साइड क्या होगी? सेम सेम होगी। ठीक है, तो मतलब अपोजिट साइड इक्वल हो गया तो या तो वो रेक्टेंगल होगा या तो वो पैरेललोग्राम होगा। अब कैसे फर्क पता करेंगे? ठीक है, उसके लिए क्या है दोस्तों? उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि डायगनल क्या है। ठीक, ठीक है दोस्तों, अगर डायगनल इक्वल आता है, ठीक है, डायगनल क्या होगा? डायगनल और इक्वल तो क्या होगा? वो रेक्टेंगल होगा। अगर डायगनल का क्या होगा? लेंथ क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है, डायगनल फॉर डायगनल सॉरी डायगनल्स आर नॉट इक्वल। अब जब इक्वल नहीं होगा डायगनल तो क्या होगा? वो पैरेललोग्राम। तो हम क्या करेंगे? एसी के लेंथ निकाल लेंगे और बीडी के लेंथ निकाल लेंगे। अगर इक्वल एसी है बीडी तो रेक्टेंगल, अगर नहीं है तो पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे स्क्वायर और रोम्बस होता था। ठीक है, कि अगर डायगनल की लेंथ आई तो स्क्वायर हो जाएगा और अगर नहीं आई तो रोम्बस हो जाएगा। इसमें ऑल साइड्स था, इसमें अपोजिट साइड थी। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7।